नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा, को फाउंडर डायडॉक, और डायडॉक पर आप हेल्थ एंड मेडिकल से रिलेटेड सभी टाइप की सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। और इन सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.diadoc.com को ज़रूर विजिट करें। अब मैं चालू करता हूँ आज का वीडियो, जो है टाइफाइड फीवर पर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा टाइफाइड फीवर क्या है, कहाँ नुकसान करती है हमारे शरीर में ये बीमारी, और बाकी टाइफाइड फीवर कैसे होता है, और टाइफाइड के लक्षण क्या होते हैं, यानी कि टाइफाइड फीवर के सिम्टम्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं टाइफाइड फीवर क्या है। तो टाइफाइड फीवर, जिसे एंट्रिक फीवर भी कहा जाता है, एक टाइप की बीमारी है जिसमें जो हमारी आते हैं इंटेस्टाइन है, ये एक सबसे ज़्यादा सबसे कॉमनली अफेक्ट होती है, और इसकी वजह से जो पेशेंट का जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये कमज़ोर हो जाता है। और टाइफाइड फीवर होता है साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी ए और बी, इस जो बैक्टीरिया है इनके इन्फेक्शन की वजह से होता है, और ये थ्रू ओरल रूट हमारे शरीर में एंटर कर जाते हैं ये जो बैक्टीरिया हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइफाइड कैसे होता है, कि एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है पेशेंट का कि मेरे टाइफाइड बार बार क्यों होता है, या हर साल टाइफाइड कैसे हो जाता है। तो टाइफाइड इन्फेक्शन के फैलने की बात करें तो ये ओरल ट्रांसमिशन से, यानी कि जो इन्फेक्टेड कंटामिनेटेड फूड्स और जो बेवरेजेस हैं उनके इंजेशन से, इनटेक से फैलता है। और ये फैलता जब है, जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन, यानी टाइफाइड का जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जो कि जो टाइफाइड का बैक्टीरिया है उसे शेड कर रहा है अपने स्टूल से, पॉटी से, यूरिन से, वो बिना हाथ धोए आपका जो फूड है उसे टच कर देता है, उसे कंटैमिनेट कर देता है। फिर उस कंटैमिनेटेड इन्फेक्टेड फूड के इंजेक्शन से पेशेंट में टाइफाइड फीवर हो जाता है। और ज़्यादातर केसेस में जो ये टाइफाइड कैरियर्स हैं, जो ये टाइफाइड फीवर को जो इन्फेक्ट कर रहे हैं पर्सन, इनको भी पता नहीं होता कि टाइफाइड फीवर से इन्फेक्टेड हैं, क्योंकि ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, इनमें टाइफाइड के कोई लक्षण ही नहीं होते हैं। इसलिए आप हमेशा जब भी बाहर खाना खाने जाएं तो एक क्लीन हाइजेनिक जगह पर खाना खाएं, और जो आपका फूड वेंडर है उसे हमेशा हाथ धोने के लिए कहें खाना बनाने से पहले, या फिर उसे ग्लव्स पहनने के लिए कहें, तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हैंड टू माउथ ट्रांसमिशन से भी ये फैलता है, और ये फैलता जब है जब कोई कंटामिनेटेड टॉयलेट जिसमें टाइफाइड फीवर के बैक्टीरिया फैले हुए हैं उसको यूज़ करने के बाद जो इंडिविजुअल है वो अपने अच्छे से हाथ नहीं धोता, क्लीन नहीं करता अपने हाथ, और फिर इन इन्फेक्टेड हाथों से खाना खा लेता है, तो इससे भी जो टाइफाइड फीवर का जो बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी, ये पेशेंट के बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और पेशेंट में टाइफाइड फीवर फिर हो जाता है। तो टाइफाइड फीवर से बचने का बेस्ट प्रिवेंटिव टिप है कि आप हमेशा क्लीन एंड हाइजीनिक जगह पे खाना खाएं, पहला। दूसरा, आप हमेशा हाथ धो के, अच्छे से हाथ धो के, साबुन से हाथ धो के अपना खाना खाएं। तो इस तरीके से आप अपना जो बचाव है वो टाइफाइड फीवर से कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइफाइड फीवर के क्या सिम्टम्स होते हैं, टाइफाइड के क्या लक्षण होते हैं। तो टाइफाइड फीवर का सबसे कॉमन लक्षण है बुखार, और जो ये टाइफाइड का बुखार है ये साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी जो बैक्टीरिया हैं उनके इंजेशन के, उनके शरीर में जाने के 7 से 14 दिन के बाद पेशेंट में डेवलप होता है। टाइफाइड का जो ये बुखार है ये पेशेंट में स्टेप वाइज बढ़ता जाता है, जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे ही जो पेशेंट का टेम्परेचर है ये बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और फिर जो नेक्स्ट मॉर्निंग है उसमें जो ये टेम्परेचर है ये पूरा ड्रॉप हो जाता है, और फिर ग्रेजुअली वापस राइज करने चालू कर देता है। और फिर जो ये पीक्स एंड ट्रोस बनते हैं पेशेंट के अंदर, ये ग्रेजुअली टाइम के साथ ये भी ग्रेजुअली बढ़ते हुए चले जाते हैं पेशेंट में। इसके अलावा पहले हफ्ते में पेशेंट को पेट की समस्या स्टार्ट हो जाती है, और पेशेंट का जो पूरा पेट है उसमें पेशेंट को बहुत तेज़ दर्द होता है, और जो ये दर्द है ये कई बार पेशेंट को जो छूने से भी, पेट को जैसे अगर पेशेंट टच करता है या कोई और टच करता है, इससे भी जो पेट का दर्द है ये बढ़ जाता है। और इसके अलावा जो पेट का राइट साइड है, दाहिना साइड है, और इसमें राइट अपर क्वाड्रेंट, ये ऊपर की साइड में भी पेशेंट को रुक रुक के तेज़ दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। और इसके अलावा पेशेंट को कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी पेशेंट में रहने लग जाती है। और इसके अलावा पेशेंट को सूखी खांसी रह सकती है, पेशेंट को चक्कर आते हैं, कमज़ोरी रह सकती है पेशेंट के सर में, खासकर आगे की साइड सर में फ्रंटल हेडेक पेशेंट में होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा कभी कभी जो पेशेंट है ये बहकी बहकी बातें भी करने लग जाता है। और इसके अलावा पहले हफ्ते के आखिरी में पेशेंट का जो बुखार है, टेम्परेचर है, ये 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाके ये प्लेटू हो जाता है। और इसके अलावा पेशेंट की जो छाती है और पेट का ऊपरी हिस्सा है इसमें लाल रंग के चकते बन जाते हैं, जिन्हें रोज स्पॉट्स कहते हैं, जो इनकी साइज़ होती है रोज स्पॉट्स की, ये 1 से 4 सेंटीमीटर हो सकती है तक हो सकती है। और जो ये रोज स्पॉट्स हैं ये 2 से 5 दिन में अपने आप पेशेंट की छाती से और पेट के ऊपरी हिस्से से, इससे ये अपने आप गायब हो जाते हैं और रिजॉल्व हो जाते हैं। टाइफाइड फीवर के दूसरे हफ्ते में पेशेंट की बीमारी है ये और प्रोग्रेस हो जाती है, और पेशेंट को जो अपना पेट है ये फूला हुआ महसूस होता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाता है पेशेंट में।
इसके अलावा जो स्प्लीन है जो पेट के लेफ्ट साइड में होती है, जिसे हिंदी में तिल्ली भी कहते हैं, इसकी साइज़ बढ़ने लग जाती है और ये सॉफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत परेशानी महसूस होती है। इसके अलावा जो पेशेंट की नब्ज़ है ये कम हो जाती है, रिलेटिव ब्रैडीकार्डिया हो जाता है पेशेंट को। इसके अलावा पेशेंट में डायक्रोटिक पल्स, डबल बीट पल्स डेवलप हो जाती है। और इसके अलावा फिर तीसरे हफ्ते में पेशेंट को भूख कम लगने लग जाती है, एनोरेक्सिया पेशेंट में डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट का जो वज़न है वो कम होने लग जाता है और पेशेंट की जो सांस है वो चढ़ने लग जाती है, सांस में परेशानी आने लग जाती है पेशेंट को। पेशेंट की आंखों की जो कंजक्टिवा है वो इन्फेक्ट हो जाती है। बाकी जो पेट की समस्या है मरीज़ की वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। पेशेंट को अपना पेट और फूला हुआ महसूस होता है, एबनॉर्मल डिस्टेंशन पेशेंट में बढ़ जाता है। और कई बार पेशेंट में ग्रीन येलो रंग के बदबूदार दस्त डेवलप हो जाते हैं, जिसे पी सूप डायरिया भी कहते हैं। इसके अलावा गंभीर यानी सीवियर केसेस के अंदर पेशेंट की जो आते हैं इंटेस्टाइन है उसमें से खून आना स्टार्ट हो जाता है। कई बार जो ये आते हैं इंटेस्टाइन है ये फट जाती है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन जिसे कहते हैं, और जिसकी वजह से पेशेंट में पेरिटोनाइटिस नाम की बीमारी, जो कि गंभीर बीमारी है, वो पेशेंट में डेवलप हो जाती है। और इसकी वजह से कई बार पेशेंट को पेट की सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ जाती है। और इसके अलावा जो हर्ट है दिल है इसमें पेशेंट के सूजन आ सकती है, जिसे मायोकार्डाइटिस भी कहते हैं, और ये भी एक सीवियर प्रॉब्लम है, गंभीर बीमारी है। तो ये थी कुछ ज़रूरी जानकारी टाइफाइड फीवर पर, और बाकी टाइफाइड फीवर की जांचों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और इसके इलाज, टाइफाइड के ट्रीटमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में जानने के लिए आप ऊपर आई बटन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और हमारा वीडियो देखिए। जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपसे शेयर कर दूंगा। और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। बाकी हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, यूजफुल एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल दैट डॉक हेल्थ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बाकी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, टेक केयर।